हेलो स्टूडेंट्स इन टूडेज वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी द पोएम द नोबल नेचर। नोबल नेचर पोएम हैज बीन कम्पोज बाय बेन जॉनसन इस पोएम को इंक्लूड किया है राजस्थान बोर्ड ने अपने क्लास ट्वेल्थ इंग्लिश के सिलेबस में आज के इस वीडियो में हम पोएम को लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करेंगे साथ ही साथ जितनी फिगर्स ऑफ स्पीच इस पोएम में यूज हुई है उन्हें भी हम देखेंगे जो भी अननोन एंड अन वर्ड्स आपके लिए इस पोएम में नए आए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे एंड लिस्ट करेंगे और उनका वर्ड मीनिंग देखेंगे सो लेट इस स्टार्ट द वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस अबाउट द पोएम एंड द पोइट द पोइट बेन जॉनसन ही हैज़ कम्पोज द पोएम नोबल नेचर एंड दिस नेचर इज अबाउट द नेचर और द बिहेवियर ऑफ अ मैन पोइट बताना चाहता है इस पोएम के थ्रू दैट लाइफ की लेंथ उसकी ड्यूरेशन जो है दैट इज नॉट रिलेटेड टू नोबिलिटी आपने कितनी लंबी लाइफ जी है इसका लाइफ की क्वालिटी से कोई रिलेशन नहीं होता अक्सर बहुत छोटी छोटी लाइफ्स भी जो है बहुत ज़्यादा अपना कंट्रीब्यूशन दे जाती है महानता की तरफ एग्जांपल्स पोइट ने इसके लिए यूज़ किया है एक ओक ट्री जो कि थ्री हंड्रेड ईयर्स तक जीता है और एक लिली फ्लार लिली फ्लार जो है डे का फ्लार होता है बट अगर ओक ट्री की तरह तीन सौ साल जीना ही लाइफ का मकसद नहीं होता बल्कि एक दिन का जो फूल है वो लोगों को खुशी देकर जाता है तो इस मायने में अकॉर्डिंग टू द पोइट द लाइफ ऑफ लिली फ्लावर इज मोर इम्पोर्टेंट देन द लाइफ ऑफ द ओक ट्री सेम वे पोइट ये कहना चाहता है कि अगर आपकी लाइफ लोगों के काम आई है दैट इज ओनली द यूजफुलनेस ऑफ लाइफ सो लेट अस स्टार्ट द पोएम पोएम अ शॉर्ट लिरिक इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक अ ट्री इन बल्क डेथ मेक मैन बेटर पी अटैंडिंग लॉन्ग एंड ओक थ्री हंड्रेड इू फॉल अ लॉक एट लास्ट ड्राई बॉल्ड एन सिया इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक अ ट्री इन बल्क बल्क मीन साइज डेथ मेक मैन बेटर बच्चों हमने अक्सर एक कहावत सुनी है बड़े हुए तो क्या हुए जैसे पेड़ खजूर पक्षी को छाया नहीं फल ला गया ते दूर तो सेम वे वही एग्जाम्पल पोइट यहाँ ब्रिंग इन करते हैं दैट इट इज़ नॉट ग्रोइंग लाइक अ ट्री इन बल्क ये नहीं होता कि आप बल्क में अपने साइज में एक पेड़ की तरह बढ़ जाओ आपकी लंबाई चौड़ाई आपकी हाइट जो है आपका फिजिक जो है वो एक पेड़ की तरह बढ़ जाए डेथ मैक मेक मैन बेटर बी उससे आप बेटर नहीं बन सकते अगर आप अपनी हाइट में अपने फिजिक में अपने लंबाई चौड़ाई में एक पेड़ की तरह लंबे हो चुके हैं तो ये साबित बिल्कुल नहीं होता कि आप एक बेहतर इंसान हो और स्टैंडिंग लॉन्ग एंड ओक थ्री हंड्रेड ईयर या फिर आप उसी लंबाई में खड़े हो उसी कद काठी में खड़े हो लॉन्ग लंबे टाइम तक जैसे कि एक ओक का पेड़ होता है जो कि थ्री हंड्रेड ईयर्स तक होता है मतलब उसी कद काठी के साथ उसी अच्छे फिजिक के साथ आप अपनी एक जिंदगी बिता रहे हो बहुत लंबी लाइफ टू फॉल अ लॉग एट लास्ट उस पेड़ की तरह है, जो एट लास्ट एक लॉक की तरह लॉक मतलब लट्ठा ड्राइड वुड जो होती है सूखी हुई लकड़ी के रूप में गिर जाता है ड्राई सूख कर बॉल्ट बॉल्ट मतलब क्या होता है गंजा होना यहाँ बॉल्ट मतलब है विदाउट ट्री सॉरी लीव्स बिना पत्तियों के एंड सीअर सीयर मतलब ड्राइनेस विदाउट मोश्चर मतलब सूख कर पत्तियों से हटकर पत्ती विहीन होकर लास्ट में एक लट्ठे की तरह है गिर जाना लाइफ की ये कोई भी यूजफुलनेस नहीं होती अ लिली ऑफ अ डे इज फेयर फार इन में ऑल्दो इट फॉल एंड डाई दैट नाइट इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट बट पोइट सीज अली ऑफ अ डे इससे बेहतर तो एक दिन की लिली होती है इज फेयर फार इन में वो लिली जो मे के मंथ्स में खिलती है वही फेयर है फेयर मीन मोर ब्यूटीफुल एंड प्लीजिंग है ज़्यादा अच्छी है फार कंपेरे कंपैरिजन के तौर पर यूज हुआ है दैट इज मोर प्लीजिंग मोर अट्रैक्टिव मोर ब्यूटीफुल मोर हैप्पीनेस गिविंग ऑल दो इट फॉल एंड डाई दैट नाइट ऑल दो द लाइफ ऑफ लिली दैट इज वेरी शॉर्ट लिली फ्लावर जो है जो कि आपको मैंने यहाँ पिक्चर में भी दिखाया है वो उसी रात को गिर जाता है मर जाता है यानी मुरझा जाता है इट वॉज द प्लांट एंड फ्लार ऑफ लाइट लेकिन ये वो जो प्लांट है ये जो फ्लार है ये लाइट से रिलेटेड है रोशनी से रिलेटेड है खुशियों से रिलेटेड है इन स्मॉल प्रोपोर्शंस वी जस्ट ब्यूटी सी एंड इन शोर्ट मीचर्स लाइफ में परफेक्ट वी हियर इज द मैसेज ऑफ द पोम पोइट यहाँ कहते हैं कि ब्यूटीज़ को देखना हो सुंदरता को देखना हो खुशियों को देखना हो तो जो है स्मॉल प्रोपोर्शन में छोटे छोटे प्रोपोर्शंस में छोटी छोटी क्वांटिटी में भी हम खुशियों को देख सकते हैं सुंदरता को हम देख सकते हैं ठीक उसी तरह से यानी शॉर्ट मेजर्स लाइफ में परफेक्ट भी मेजर्स यहाँ ड्यूरेशन कि अगर आपको अपनी लाइफ को परफेक्ट बनाना हो तो देट डज नॉट नीड अ लॉन्ग लाइफ छोटी सी ड्यूरेशन में भी आप ऐसा काम कर सकते हैं कि आपकी लाइफ परफेक्ट हो सकती है सो स्टूडेंट दिस वॉज अ वेरी स्मॉल लिरिक दिस हेज बीन ओनली इन टेन लाइन्स देर आर टू क्वार्टिन एंड वन कपलेट क्वार्ट्रिन क्या होते हैं अस्टेंजा ऑफ फोर लाइन्स एंड कपलेट क्या होता है एक जो टू लाइन्स का फर्स्ट स्टेंजा जो है दैट दियर द पोइट इज डिस्क्राइबिंग द ओक ट्री इट मीन्स द साइज एंड द सेकेंड स्टेंजर दैट इज डिस्क्राइबिंग द लिली फ्लार जो कि ये डिपिक्ट करता है कि लाइफ छोटे होकर भी ब्यूटीफुल हो सकती है मेमोरेबल हो सकती है प्लीजिंग हो सकती है दूसरों को आप खुशियाँ दे सकते हैं एंड इन द कपलेट जो दोहा पोर्शन है उसमें पोइट ने पोएम के मैसेज को कन्वे किया है सो होपफुली दैट यू हैव अंडरस्टूड द पोएम एंड अगर हम फिगर्स ऑफ स्पीच की बात करें तो राइम्स की पोइट ने यूज की है राइम स्कीम क्या होती है जब आपकी एंडिंग लाइंस मैच करती है एंडिंग वर्ड्स मैच करते हैं सेम साउंड प्रोड्यूस करते हैं जैसे ट्री ट्री के साथ बी की साउंड है ट्री एंड बी एक जैसे साउंड दे रहे हैं तो अगर आप अपने फर्स्ट लाइन के लास्ट वर्ड को ए साउंड देते हैं और नेक्स्ट भी अगर बिल्कुल वैसा है तो उसे ए साउंड दिया जाएगा ट्री बी ईयर सीयर बी बी डे मे सी सी नाइट लाइट डी डी सी बी ई तो ये क्या है दिस इज द राइम स्कीम राइम स्कीम ऑफ द पोएम ए ए बी बी सी सी डी डी ई एंड वन मोर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच इज एलिट्रेशन एलिट्रेशन स्टूडेंट्स होता है अनुप्रास अलंकार जब नियर बाय वर्ड्स की बिगिनिंग साउंड सेम हो आसपास के शब्द सेम कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो तो उसे एलिट्रेशन कहते हैं जैसे कि आप सेकेंड लाइन में देख सकते हैं मेक मैन बेटर बी मेक एंड मैन एम से शुरू हो रहे हैं सेम कॉन्सोनेंट साउंड बेटर बी बी से शुरू हो रहा है फोर्थ लाइन में हम देखते हैं लॉग एट लास्ट एल एंड एल उसके बाद हमने नेक्स्ट लाइन में देखा नेक्स्ट टू तो नेक्स्ट लाइन में फेयर फार इन में तो एफ एंड एफ दिस इज़ द यूज ऑफ एलिट्रेशन टफ वर्ड मीनिंग्स नीचे मैंने एनलिस्ट किए हैं आपको साथ साथ डिस्कशन किए हैं तो इट मीन्स नाउ द मैसेज ऑफ द पोएम इज दैट ग्रोइंग इन साइज लाइक अ ट्री डज़ नॉट मेक द लाइफ मीनिंगफुल आप एक पेड़ की तरह हो जाओ तो आप ये सोचो कि एक मैन की लाइफ बेटर हो गई है तो नो एक ओक की तरह थ्री हंड्रेड ईयर्स खड़े होने पर भी इंसान का एंड अगर सिर्फ एक लॉक की तरह हो लोग लट्ठा किस काम आ सकता है किसी काम नहीं कोई खुशी किसी को नहीं मिलती उससे ड्राई होकर बॉल्ड होकर सियर होकर वो गिर जाए तो वो लाइफ की मीनिंग को एस्टेब्लिश नहीं करता इससे बेटर होती है एक लिली जो कि एक फ्लावर ऑफ अ डे है एक दिन का फूल है इस फेरर फारिन में ये मे के मंथ में ये ज़्यादा ब्यूटीफुल है ऑल दो इट फॉल एंड डाई दैट नाइट हालांकि उसी रात गिर कर मर जाता है इट वॉज द फ्लार प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट लेकिन ये रोशनी का फूल कहलाता है एंड दोनों एग्जाम्पल्स से पोइट ये कहना चाहता है इन स्मॉल प्रपोर्शंस वी जस्ट ब्यूटी सी कि हम छोटी छोटी चीज़ों में भी ब्यूटी देख सकते हैं ज़रूरी नहीं है कि साइज़ में बड़ी चीज़ें ही आपको ब्यूटी और हैप्पीनेस दे एंड इन शॉर्ट मेजर्स लाइफ में परफेक्ट भी और इसी तरह से छोटे छोटे मेजर्स में छोटी छोटी ड्यूरेशन में आप अपने लाइफ को परफेक्ट बना सकते हो लाइफ को परफेक्ट बनाने के लिए हमें एक लॉन्ग लाइफ की जरूरत नहीं होती सो स्टूडेंट्स होपफुली यू आर टोटली अंडरस्टूड द पोएम द मीनिंग And uh, the basic idea that we can say the summary of the poem and also the figures of speech. So, we are ending our video of today only at this note. Thank you, students.